आज रामलला का श्रृंगार भी अद्भुत होने वाला है। सुबह अभिषेक के बाद रामलला के विशेष श्रृंगार किए गए। आज उन्हें पीले वस्त्र पहनाए गए हैं जिनमें हरे रंग का बॉर्डर भी है। आज अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:16 पर रामलला के विग्रह का सूर्याभिषेक होगा। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वैज्ञानिक मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और लेंस के जरिए चेक भी किया जाएगा कि जिस वक्त 12:16 हो उस वक्त सूर्य की किरणें सीधा रामलला के माथे के ऊपर चमके और उनका तिलक लगाएं, सूर्य किरण से अभिषेक हो। भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। आज अयोध्या में 25,00,000 भक्तों के पहुंचने का अनुमान है और इसके लिए बेहद ही अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। आज सुबह 3:30 मंगला आरती के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें नजर आ रही हैं। सुबह 5:00 श्रृंगार आरती हो गई है और साथ ही भक्त लगातार अब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि पांव रखने तक की जगह नहीं है, और हो भी क्यों ना, 500 साल बाद ऐतिहासिक लम्हा है जब भगवान रामलला अपना जन्म दिवस अपने महल में मना रहे हैं। केवल भोग लगाते वक्त थोड़ी देर के लिए पर्दा गिराया जाएगा और आज आपको बता दें भक्तों के लिए खास तैयारी है। 11:00 तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे भक्त और बीच बीच में भोग और आरती भी होती रहेगी। आज सभी को इंतजार है 12:16 का दोपहर को, जब रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें अभिषेक करेंगी। करीब 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें अभिषेक करती रहेंगी और इंडिया टीवी पर हम लगातार ये कवरेज आपको दिखाते रहेंगे और सीधे वो तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, वो ऐतिहासिक लम्हा भी देख पाएंगे जब 500 साल बाद पहला ऐसा मौका होगा जब रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें चमकेंगी, उनका अभिषेक करेंगी। हमारे साथ विशेष अतिथि भी होंगे और जिनमें पूरी प्रक्रिया के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है और राम नगरी को फूलों से, रोशनी से सजाया गया है ताकि 500 साल का जो इंतज़ार खत्म हुआ है, ना सिर्फ रामलला का बल्कि उनके करोड़ों भक्तों का जो इंतज़ार कर रहे थे कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब रामलला अपना जन्म उत्सव अपने महल में मनाएंगे। 22 जनवरी को वो दिन था जब रामलला विराजमान हुए अपने महल में। 500 साल बाद वो मौका आया और अब 500 साल बाद एक बार फिर से ऐतिहासिक लम्हा है जिसके गवाह अब इंडिया टीवी के जरिए आज बनेंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। आज भी पवित्र चैत्र का महीना है, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त होगा। दोपहर का समय होगा, न बहुत सर्दी न ज्यादा धूप। ये पवित्र समय आज करोड़ों सनातनियों की आस्था को प्रकाशवान करेगा। आज 500 वर्षों के बाद अपने भवन में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनेगा। इस अवसर पर सूर्यवंशी रामलला का अभिषेक करने के लिए स्वयं भगवान भास्कर अपनी किरणों के जरिए राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे और रामलला का सूर्य तिलक होते ही पूरा गर्भगृह प्रकाशवान हो जाएगा। पूरा देश राम नवमी मनाने जा रहा है और ये बार ये राम नवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है। ये पहली राम नवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। ये दैवीय चमत्कार नहीं है बल्कि आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। राम मंदिर का स्थापत्य और विज्ञान की कुशलता से आज रामलला का सूर्याभिषेक कैसे होगा उसे समझिए। सूर्य की किरणें मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित रिफ्लेक्टर पर पड़ेंगी। रिफ्लेक्टर से गुजरते हुए पहला लेंस पार करने के बाद दूसरी मंजिल पर लगे दो लेंस से होती हुई रामलला के ठीक सामने लगे दर्पण पर गिरेंगे और वहां से सीधे 60 डिग्री के एंगल से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। ललाट पर करीब 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर का गोल तिलक होगा। ये किरणें वर्टिकल पाइप में लगे लेंस से गुजरते हुए दर्पण पर गिरेंगी। सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब
पाँच मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करें, तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल करके कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं कि वो सफल हो। विज्ञान और आस्था के इस संगम का ट्रायल हो चुका है। ठीक इसी तरह से आज दोपहर अभिजीत मुहूर्त में सूर्यवंशी रामलला का जन्मोत्सव सूर्याभिषेक के साथ मनाया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं। रुचि, अब मुझे लगता है कि भक्तों का तो इंतजार है, बस कुछ और घंटे का है, और कितनी उत्सुकता होगी कि 500 साल बाद वो मौका आया है कि आज जो भगवान राम के भक्त हैं ना सिर्फ भगवान राम को अपने महल में जन्मोत्सव के दौरान दर्शन कर पाएंगे, लेकिन 12:16 का जो वक्त है मुझे लगता है कि वो तो सबके लिए एक ऐतिहासिक लम्हा होगा जो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो ये सूर्याभिषेक होगा ये तो भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत लंबे इंतजार के बाद ये घड़ी आ रही है। लेकिन आज क्योंकि रामनवमी का दिन है, आज ही के दिन भगवान राम पैदा हुए थे, तो जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ये राम मंदिर जाने वाला गेट है और यहाँ आपकी जहाँ तक नजर जाएगी आपको श्रद्धालु ही दिखाई देंगे। इसमें 7 लेन्स अलग अलग बनाई गई है। गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे भक्त यहाँ नंगे पैर आए हैं, तो उनके लिए कारपेट बिछाया गया है, पूरा लाल कारपेट बिछा है, ऊपर छाया का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, पीने का पानी है। लेकिन श्रद्धालुओं को गर्मी की कोई चिंता नहीं है, श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक झा है। कहाँ से? और मैं जयपुर से आया हूँ, और दर्शन हमारे हो चुके हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था है। योगी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस व्यवस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए और आज के दिन में कब से प्लान किया था कि आज रामनवमी पर आए? नमस्कार, मैं ध्रुव त्रिवेदी, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, और हाल ही में हम यहाँ प्रयागराज में पढ़ाई करने आए थे, और जिसमें कि आज परम हर्ष का विषय है कि आज रामनवमी के अवसर पर हम सभी को ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमें इस रामनवमी के अवसर पर हमें आज दर्शन मिले। जैसा कि माना जाता था कि आज बहुत भीड़ होगी, दर्शन करना बहुत मुश्किल होगा, परंतु ऐसा देख रहे हैं कि बिल्कुल ही आराम से दर्शन हो रहे हैं। और जहाँ तक मानना था कि गर्मी भी बहुत रहेगी, ये सब एक कठिनाई थी हम जब घर से निकले तब कि कैसे दर्शन करेंगे, परंतु आज रामलला का आशीर्वाद से आज बिल्कुल ही निर्विघ्नता पूर्व आज पूर्ण हमारा आज दर्शन पूरा हो चुका है। बहुत खुशी है। आपका नाम क्या है और आज जब आपने प्रभु राम के दर्शन किए तो मन में क्या भाव आया? जी मेरा नाम सोनम झा है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ, और आज रामनवमी है, जैसे कि राम जी का आज जन्मदिन पड़ता है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। अंदर भी बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं, बैठने की भी है, जिनको भी सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेल्पिंग है, पानी पीने की भी कोई असुविधा नहीं है, सब मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आपके दर्शन हो गए, नाम क्या, कहाँ से आए? हेलो मैम, माय सेल्फ ध्रुव शर्मा, मैं साथ ही में, हम दोनों साथ में आए मैम, प्रयागराज से दर्शन करने आए थे। आज दिन में जो 12:20 पे सूर्याभिषेक होगा भगवान राम का, उसको भी देखने का? जी मैम बिल्कुल, मैम अभी रुके मैम, उसी के लिए अभी जाएंगे, दोबारा जाएंगे। जी मैम, हम तो दूसरी बार दर्शन कर चुके हैं। 12 के बाद जन्म होगा भगवान का, हम लोग फिर दर्शन करेंगे दोबारा भी भगवान राम के। धूप इतनी ज्यादा है, पैदल चल के जाना पड़ रहा है? जी मैम, ज्यादा धूप है, पूरा पैदल चल के आपको राम मंदिर जाने, प्रभु का आशीर्वाद हम लोगों के पास। अच्छा। जी जी, हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। यदि मैम श्री प्रभु राम इतने वर्षों तक इंतजार कर सकते हैं, तो एक हम जो सूर्य तिलक या फिर उनकी जो आरती है, उसके लिए हम कुछ क्षणों का इंतजार क्यों ना कर सके इस गर्मी में। यदि प्रभु श्री राम इतने सालों से इस एक कुटिया में इतना इंतजार कर रहे थे और आज हमें उनका देखने का सपना पूरा हो रहा है, तो हम बिल्कुल ही ये गर्मी तो क्या, हम ऐसे कई सीजन ऐसे व्यापन कर सकते हैं श्री राम के दर्शन के लिए। आप तो पूरा तैयार होके आए हैं आज रामनवमी के दिन प्रभु राम के दर्शन करने के लिए? एक्चुअली मैं आया हूँ मुंबई से, लेकिन मैं एक्चुअली विदेश रहता हूँ, कनाडा में। हाँ, तो मैं एक्चुअली 3-4 महीने से इंडिया में हूँ, तो लास्ट 1 आई वॉज एक्सप्लोरिंग साउथ इंडिया, आई वॉज देयर फॉर 1 और मुझे राम जी के दर्शन करने थे, खास रामनवमी के दिन
So I waited and Ajay waited for the darshan. But I had the darshan couple of times today. दर्शन हो गए? हाँ जी दर्शन हो गए। आज रामनवमी पे सूर्य तिलक भी होगा भगवान राम के जन्म, तो आप फिर से जाएंगे दर्शन करने के लिए? मैं सोच रहा हूँ, मेरे दो बार दर्शन हो गए सुबह, मैंने दो बार लाइन में लगाए, लेकिन सूर्य तिलक का मैं देखूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करूंगा। आप तो कनाडा से आए, यहाँ गर्मी भी बहुत लग रही होगी, तो उसमें दर्शन में कुछ नहीं? मैं जब साउथ इंडिया में था तब मैं 45 डिग्री में घूम रहा था एक महीना सोलो ट्रिप पे, तो उसे माने उत्तर प्रदेश में इतना है नहीं है, गर्मी नहीं है। तो इस तरह से जितने भी श्रद्धालुओं से अमिताभ यहाँ बात करेंगे, सब पे जबरदस्त उत्साह है। आप सुबह से तीन बार दर्शन कर चुके हैं, आप दो बार दर्शन कर चुके हैं और फिर से दर्शन करने के लिए लाइन में लगने जा रहे हैं। अब यहाँ दर्शन करना कितना मुश्किल है, आप भीड़ देखिए श्रद्धालुओं की, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये पूरी भीड़ जो सामने आ रही है श्रद्धालुओं की, ये जा रही है अंदर राम मंदिर में दर्शन के लिए। तो इतना लंबा टाइम, धूप इतनी तेज, लेकिन जो श्रद्धालु कि व्यवस्था की गई है राम भक्तों के लिए, प्रभु राम के जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, और जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि इतने साल अगर रामलला ने इंतजार किया तो थोड़ा कष्ट भक्त भी उतारने के लिए तैयार है, ताकि एक दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए रामलला की। वैसे रामनवमी के मौके पर रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज भी अपने परिवार के साथ अयोध्या में आए हैं और भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचे। अरुण योगीराज से बात की हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। रामनवमी का ऐतिहासिक मौका है, हम अयोध्या में मौजूद हैं और इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं अरुण योगीराज जी, जो कि फिलहाल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अरुण जी, लगातार आप अयोध्या में रहे, कल भी आप गए, आज रामनवमी का शुभ अवसर है, कैसे पा रहे हैं अपने रामलला को, जिन्होंने उनको आपने इतने दिन से संवारा बनाया और आज वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं? पहला मेरा मन में ये नहीं है, ये मेरा है, ये देश का हो चुका है और हम भी एक राम भक्त के नज़र से ही देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले रामनवमी में और मैं मेरा फैमिली के साथ इस पल बिताना चाहता था और पूरा मेरा फैमिली पहली बार अयोध्या आ चुका हूँ और सिर्फ यही सूर्य तिलक देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ और सिर्फ इस समय के इंतज़ार है बस। कल जब आप मंदिर गए, परसों आप जब मंदिर गए, तो जो मूर्ति आपने देश के लिए बनाई है, पूरे विश्व के लिए बनाई है, जब मूर्ति आप बना रहे थे और मौजूदा मूर्ति जो रामलला की है, इसमें क्या फर्क देखते हैं? क्योंकि जो भक्तों का नजर है वो तो बहुत फर्क देखती है। मैं पहले ही बोल चुका था ये बहुत बदला गए और अभी कल मैंने एक अवसर मिले कुछ भक्तगण से मिलना, बात करना, एक दो भक्तगण बता रहे थे हमारा इमोशन क्या है, उस तरफ वो बन जाता था, लाइक दे इज रेस्पॉन्डिंग टू द इमोशन, हमारा इमोशन क्या है वैसे दिख रहा है, सो दैट इज द दो तीन डिवोटीज के मुंह में सुना मैंने। सो पहली बार मैं देखने के बाद मेरे को पहला लगा ये राम है बस, मैंने बनाया ऐसा मेरा मन में नहीं जाते। सो मेरा पूरा फैमिली बहुत खुशी थे और एंड ऑल्सो इस समय पे वी मिस्ड आवर फादर ऑल्सो, बिकॉज इस समय वो भी हमारे साथ होता तो बहुत अच्छा आता था। या ये बहुत अच्छे क्षण है बस। अयोध्या जब आप आए मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति आपकी चयनित हुई तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में, रामनवमी की अयोध्या में, कितना फर्क आप महसूस करते हैं? यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स में कितना फर्क महसूस करते हैं? यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ के डेवलपमेंट में कितना फर्क महसूस करते हैं? बहुत बहुत बदल गया, सिर्फ आप बोल सकते हैं शायद 9 महीने से हम आने जाना शुरू किया अयोध्या के लिए और बहुत फर्क है और स्पेशली फॉर मी अयोध्या बहुत कुछ दे चुका है, जिंदगी जनरेशन के लिए दे चुका है अयोध्या, सो इसको मैं बहुत आभारी हूँ और सिर्फ यही दुआ, यही मेरा प्रेयर रहेगा पूरा देश को राम का आशीर्वाद मिले, राम का आशीर्वाद मिले। रामनवमी का आज समय है, सूर्य तिलक जो होगा, सूर्याभिषेक जो होगा, उसका भी आपने परीक्षण देखा होगा, ये पलसर कितने ऐतिहासिक होंगे मूर्ति के स्थापना के बाद आज रामनवमी के पहले अवसर पर, जब रामलला अपने गर्भगृह में भव्य मंदिर में विराजमान है। नॉर्मली सूर्य का किरण गर्भगृह में कभी अंदर नहीं आते, दिस इज द फर्स्ट टाइम शायद गर्भगृह के अंदर सूर्य का तिलक राम के ऊपर आ रहा है और ऑल क्रेडिट गोज टू द साइंटिस्ट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशन एंड इवन आई एम वेरी मच वेटिंग फॉर दिस टाइम एंड जस्ट मैं भी एक फील करना चाहता हूँ कैसा रहेगा। और हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और जो ये
पूरा आप जो कार्यक्रम होने जा रहा है 12:16 पर, इसके लिए कुछ विशेष तैयारियां की गई, आपने तो बात की होगी, कहां कहां पर ये खास तैयारियां हैं? और बताया गया कि 100 इस तरह के LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं जहां से जो भक्त हैं, जो अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, वो भी बाहर देख सकते हैं। अमित, इस समय हम अयोध्या का जो हाईवे है वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर हाईवे की भी आप बात कर लीजिए, समूचे अयोध्या की बात कर लीजिए, जिस इलाके को पहले फैजाबाद कहा जाता था वहाँ की बात कर लीजिए, हर एक जगहों पर, हर एक पॉइंट्स पर आज अयोध्या में उन LED स्क्रीन्स को लगाया गया है जो दरअसल लोगों को, भक्तों को और जो आम जन हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक होगा, सूर्याभिषेक होगा, क्योंकि मान्यता यही है कि प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य भी उनका अभिषेक किया था। आज उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है, और अब से कुछ देर पहले जब हमने अरुण योगीराज जी से बात किया जो कि इस मूर्ति के शिल्पकार हैं, उनका कहना है कि गर्भगृह में इससे पहले कहीं भी इस तरीके से सूर्य की किरणें नहीं गई हैं, लेकिन साइंटिस्ट को उन्होंने धन्यवाद दिया है, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है, IIT रुड़की और IIT कानपुर के उन प्रोफेसर को धन्यवाद दिया है जिन्होंने पिछले 10 दिनों तक लगातार इसका सफल परीक्षण किया है। और यह मान के चलना चाहिए कि 12 बजे जन्मोत्सव होगा और उसके बाद 12:16 पर वो शुभ मुहूर्त आएगा जब गर्भगृह में रामलला का सूर्य तिलक होगा, सूर्य अभिषेक होगा, और यह पहली बार ऐसा होगा कि जब प्रभु के जन्मोत्सव पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर इस तरीके से सूर्य अभिषेक। अच्छी बात आपने ये बताया कि किया जा पूरे चुका है इलाके में, सिर्फ अयोध्या नगरी या जहां पर मंदिर है आसपास नहीं, उससे कहीं दूर कई किलोमीटर के रेडियस में भी वो 100 स्क्रीन लगाए जाएंगे जिसके जरिए जो राम भक्त हैं वो घर से देख सकते हैं, यानी बाहर निकल के देख सकते हैं, उनको मंदिर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुचि, आप जिन भक्तों के साथ हैं उनके लिए ये जो विशेष दिन है वो कितना महत्व रखता है? क्योंकि मैंने देखा कुछ छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं, उन्हें पता है कि अगर वो अंदर नहीं जा पाएंगे तो बाहर भी उनके लिए खास व्यवस्था की गई है, वो स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जब से 22 जनवरी से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो प्रशासन है उसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु इस मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। तो अब आज रामनवमी है इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी, ये ट्रस्ट को मालूम था, इसलिए ट्रस्ट ने ये स्क्रीन्स लगाई हैं, लोगों से अपील की है कि वो स्क्रीन्स पे देखें, घर पे दूरदर्शन पे सीधा प्रसारण आ रहा है उसमें देखें और यहाँ ना आए क्योंकि गर्मी भी है, ये सारी बातों की अपील की गई है। लेकिन अपील का असर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते ही जा रहे हैं। आप देखिए जो सिलसिला सुबह 4 बजे से यहाँ शुरू हुआ है वो लगातार जारी है, श्रद्धालुओं के मन में जबरदस्त अच्छा, रुचि कुछ है, और श्रद्धालुओं से अगर आप बात कर पाए तो उनके राय आप जाने, और साथ ही बताएं कि कोई विशेष अतिथि भी रहेंगे जिस वक्त 12:16 पर सूर्य अभिषेक होगा भगवान राम का? देखिए ट्रस्ट के लोग उस समय मौजूद रहेंगे जब ये सूर्य अभिषेक होगा। आप कहाँ से? जी मैं अयोध्या वासी हूँ, मैं प्रभु श्री राम जी के डेली दर्शन करता हूँ सुबह 7:30 बजे। आज रामनवमी के दिन क्या? जी 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 मैं अभी दर्शन करके आया हूँ, मंदिर को देख के, प्रभु राम को देख के दिल बाग बाग हो जाता है, और अभी अपने फैमिली को भी दर्शन करवाने लाऊंगा। तो आज जब सूर्य अभिषेक होगा तब कोशिश करेंगे कि अंदर आ जाएं? जी जी जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं फैमिली सहित जो है सूर्य अभिषेक होगा तो मैं दर्शन करूंगा, मैं प्रतिदिन करता हूं और आज फैमिली सहित दर्शन करूंगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था और इतनी अच्छी। क्या है? सोनिया जी। कहाँ से आई आप सोनिया जी? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से आए, आज के दिन के लिए प्रोग्राम बनाया था अयोध्या आने का, तो आज जब दर्शन हो गए या जाएंगे अभी दर्शन? दर्शन हम कल से करके आए अभी तो। हाँ जी कल से करके। हाँ जी। तो जब प्रभु राम के से प्रभु राम के सामने आप पहुंची दर्शन के लिए तो मन में क्या भाव आया? मन में बहुत अच्छा भाव आया भगवान राम के लिए। हाँ जी उनके लिए। आपके दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, अष्टमी और नवमी दोनों के दर्शन किए मैंने, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, स्मूथ एकदम, लाइन वाइन में कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं, और बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी रीजंस है, और मोदी और योगी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पहले भी यहाँ अयोध्या आते रहे या ये पहली बार है जब आप दर्शन के लिए? जी वैसे देखा जाए तो मेरे जो पारिवारिक जो है, मेरे पिताजी 1992 में जब कार सेवा हुई थी तब वे यहाँ पर आए थे, और उन्होंने उनका भी एक योगदान है, तो मैं बड़े गर्व महसूस करता हूँ जब भी मैं इस पावन भूमि पर आता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार का भी कहीं ना कहीं योगदान है इस
इस चीज में समर्पण रहा है, इसीलिए मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ और आज मेरा दूसरी बार है। मन और प्रसन्न हो जाता है कि आप जी बिल्कुल, एक मैं कह रहा हूँ ना कि जैसा मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस राम मंदिर में मेरे परिवार की एक अहम भूमिका रही है ऐसा करके। और प्रभु श्री राम से तो वैसे हर किसी के दिल का रिश्ता है कि हाँ, एक प्रभु राम सबके दिलों में बसते हैं।